वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। किसी स्टूडेंट का फेलिसिटेशन प्रोग्राम न्यू कलेक्टर कंपाउंड रोड मेरे हाई स्कूल में रखा गया है, जिसके प्रिंसिपल मोहम्मद अनिस सर है। और यहाँ पर फेलिसिटेशन करने के लिए रोटरी क्लब से मिस्टर राजेंद्र उन्नीत कृष्णन जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर तशरीफ लाए हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पर आप आए, स्टूडेंट का फेलिसिटेशन किया, इनसे कम्युनिकेशन किया, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लग रहा हूँ। और मैं यहाँ पे रोटरी क्लब मुंबई दहिसर की तरफ से आया हूँ और मेरे साथ में हमारे क्लब के अध्यक्ष मुकेश संदेजा भी साथ में है। और ये इस साल मैं मेरा सेकंड ईयर है स्कूल में इस तरह का फेलिसिटेशन करना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस एरिया के जो बच्चे हैं, काफी सारे जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और मुझे गया साल तो उनका जो एक अचीवमेंट सुना और देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर वो सही दिल से अप्रिशिएट करने के काबिल है लोग, और इनमें बहुत अच्छा भविष्य भी है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे क्लब को ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए हम तो टॉप 3 है, इनको हम क्रिस्टल ट्रॉफीज देके और बैग्स देके बुक्स देके फेलिसिटेट करना चाहता हूँ, ताकि दूसरे बच्चे ये देखकर उनमें उत्साहित हो और वो भी अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और अच्छी पर्सेंटेज ला सके। रोटरी क्लब का कब स्थापना हुई थी उसके बारे में बताइए, क्या क्या रोटरी क्लब करता है? रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1905 में जन्म हुआ था अमेरिका में इवांस्टन करके जगह पे, और मुंबई में 95 ईयर्स हो गया रोटरी क्लब को। और हमारे क्लब जो रोटरी क्लब मुंबई दहिसर है उनको 37 ईयर्स हो गया, 1987 में हमारा जन्म हुआ। और हमारा रोटरी का कार्यक्रम है कि सेवा, सर्विस अबाउट सेल्फ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम गरीबों को आदिवासी विलेज में जाकर पानी देना, सोलर लाइट देना और एनवायरमेंट में काम करना, चेक डैम बनाना। हमारे क्लब के खुद के डायलिसिस सेंटर भी है दहिसर में, जो हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए सेवा करते हैं उधर और सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा काफी मेडिकल कैंप होता है हर साल, डायबिटीज हमारा एक प्रिवेंशन, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। और हम एजुकेशन में काम करते हैं, मलेरिया इरेडिकेशन में काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस तरह एनवायरमेंट में काफी काम करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग फेलोशिप भी करते हैं, क्लब का पिकनिक भी होता है, और काफी मिलजुल के बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, युवा के ऊपर हम काफी काम करते हैं। सर आपने स्पीच में एक उदाहरण दिया था क्रिकेटर का जो यूएसए में है, तो हमारे जो देश के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं लिखते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इसीलिए छोड़ के जाते हैं कि वहां पे देखो, यहाँ पे हम लोग काफी मेहनत करते हैं और काफी खर्च भी करते हैं। एक एडमिशन मेडिकल को देना है तो आपको 20-25 लाख 30 लाख करोड़ रुपया भी खर्चा करना पड़ते हैं, और इतना खर्चा करने के बाद में इनका रिटर्न जो है वो टाइमली नहीं आते हैं। अभी मैं मेरा खुद का भी बच्चा बोलूंगा, इतने सब पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो दोनों भी बाहर चले गए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो जल्दी नहीं आते हैं। और वहां पे बाहर जब जाते हैं जो यहाँ पे 15-20 साल में कमाते हैं वो उन लोग 1-2 साल में कमा लेते हैं, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक बेस ऑफ एडमिशन बोलो या एनवायरमेंट बोलो, जो भी बोलो, वहां पे बहुत सारा सिस्टम नहीं, सिस्टम एकदम स्मूथ है। यहाँ पे एक सिस्टम हमारा अभी तरह ठीक करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशनली सिस्टम ठीक करने के लिए तो यही जो छात्र छात्रा है जो वो आगे बढ़कर देश को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे, लेकिन जब सब स्टूडेंट बच्चों के पोजीशन में आने के बाद बाहर चले जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि देश का काफी नुकसान हो रहा है?
आप बाहर जाके को आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो या कोई भी कंपनी देखो, आप अमेजॉन देखो, किधर भी देखो, आप वहां पे सब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उसका 90% तो इंजीनियर हमारा ही है, लेकिन हम वो जो उधर कमाते हैं वो हमको उधर नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारा एक मजबूरी है, हमारा पे स्केल भी बहुत कम है और अपॉर्चुनिटीज भी हमको कम है, एम्प्लॉयमेंट भी हमको इधर काफी नहीं मिलते। आज हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यू है, वो गवर्नमेंट सॉल्व करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए और उनका जो सैलरी पैकेज है वो भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है तो बच्चों को आज क्या मिलता है? बच्चों को आज सबको मिलता है कि हमें भी कुछ पैसा मिलता है, कमाना मिलता है, हमने इतना खर्चा किया है, तो रिटर्न उन लोग देखते हैं, उन लोग शॉर्ट लॉन्ग टर्म गेम नहीं दिख रहे, उनको आज प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी में कोई मतलब नहीं रखते वो लोग, उनको मिलता है रिटर्न, आज मुझे कैसा जीना लाइफ। यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है आप यहीं पे देखो, आज मैं नलाड़ रोड से इधर तक पूछना है कितना एरिया में प्रॉब्लम है, वो सुधारता नहीं हम लोग। तो हमको अगर अच्छा एनवायरमेंट बच्चों को दे, अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटीज दे, तो डेफिनेटली IIT है हमारे पास सबसे ज्यादा, हमारे स्टूडेंट टॉप है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। हमको एजुकेशन फैसिलिटी अगर देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो भारत छोड़ने का किसी को कोई अधिकार भी नहीं है और न छोड़ के जाएंगे। सर एक बच्चा AI के बारे में बात कर रहा था, सर टाइम चेंजिंग से बच्चों कितना अपडेट होना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है, AI आ गया, ChatGPT आ गया, उससे किस तरह से बच्चे फायदा उठा सकते? बच्चों को खूब सारा फायदा उठा सकते हैं, जो आज टेक्नोलॉजी जो फास्ट में बदल रहे है और हर बच्चे को यंग एज में ही उसके ऊपर लगा होना चाहिए, क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और वो अडेप्ट करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या है वो क्या है, नहीं, उनको अडेप्ट करना है, चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। एक जमाना था जब हम भी पढ़ रहे थे 1980s में, उस टाइम में कंप्यूटर से आया तो हमें भी तकलीफ हुआ अडेप्ट, लेकिन आज आप कंप्यूटर के बिना मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, ये टाइम हमने अडेप्ट कर लिया। इसी तरह आगे बढ़कर भी जो बच्चे है उनको न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। आखिर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सभी लोग जो अच्छे नंबर में पास होते हैं उसका फैलिसिटेशन होता है, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको किस तरह से अपनी? तो कमजोर बच्चों को ऐसा मैं बोलता हूँ कि उनको फैसिलिटी नहीं होना चाहिए, हम कमजोर बच्चों के सामने ये कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिले। सेकेंड, हमारे उधर हर मुंबई में बोलो या इंडिया में बोलो, काफी जगह में ऐसा है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे जो कमजोर बच्चे हैं उनको सिखाते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, वो बच्चे लोग उनका फायदा उठाना चाहिए। आज हमारे रोटरी क्लब भी काफी बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि अगर आप वीक है तो हमारे पास मेंटर लोग है, ट्रेनर लोग है, आप उनके पास जा सकते हो, वो आपको गाइडेंस देंगे और सिखाएंगे, लेकिन बच्चों को उसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका परिचय हमारे पैसे में दीजिए। और रोटरी मुकेश तलरेजा, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट भैसर का, आज का यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहें, यही चाहिए। मैं एक मिनट उसको बुलाना चाहूंगा सामने, ये स्टूडेंट जो फर्स्ट आई है, ये स्टूडेंट ने आज अपने माँ बाप की तारीफ करके बहुत बड़ा काम किया है। हमें इससे प्रेरणा लेनी थी कि हर बच्चे को अपने माँ बाप को देखना है, अपने भाई बहनों को देखना है, टीचर्स को देखना है, स्कूल को देखना है, इस तरीके से करेंगे, आप ऐसे ही करते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका पूरा नाम बताइए और जो SSC का प्रिपरेशन आपने साल भर किस तरह से किया था, आपने किस तरह से मैनेज किया था? मैं फुल नेम शाह रिंगानो हैदर अली, एंड मींस पहले तो जब मेरा SSC 10 स्टार्ट हुआ था तो मई में तो मैं गांव चली गई थी बिकॉज मेरी बहन की शादी थी। देन आई केम, फिर मैंने जुलाई से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ती थी, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स। मैं सर आई एम लेट नाइट स्टूडेंट, नाइट आउट, तो मैं रात को 1 बजे खोल देती थी, 2-3 बजे बंद कर देती थी। रात में पढ़ती थी, ट्यूशन जाती थी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी और लेक्चर्स अटेंड करती थी, एंड स्कूल में भी सेम होता था। तो फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड साइंस।
सबसे ज्यादा ही मार्क्स किसमें आए? हिंदी। तो जो बच्चे अभी 9 से 10 में गए उनको क्या टिप देना चाहिए कि वो भी अच्छे से अच्छा एक टारगेट बना लेंगे? यहाँ पर 90% आ गया, मैं कहता 99% में टारगेट बनाए तो 90 आ सकता है, तो उसको किस तरह से टिप देना चाहिए, किस तरह पढ़ाई करें? पहले तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज, हार्डवर्क करो, लिंक स्मार्ट वर्क से करो। डायरेक्ट अगर मीन्स वो नहीं कि खाली हार्डवर्क करते रहे, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करना चाहिए लाइफ में, एंड पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें करो ताकि माइंड चेयरफुल रहे और जॉयफुल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोज मेरी स्कूल के प्रिंसिपल है मोहम्मद अमीर सर। सर, आपके बच्चों ने किस तरह पूरा साल भर तैयारी की, पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स का और टीचर्स का किस तरह से सहयोग था, उसके बारे में बताएं। सर, स्टडीज तो हम लोग मार्च के मंथ से स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा मंथ जो रहता है मार्च और अप्रैल वो स्पेशल क्लासेस रहती है। फिर हम लोगों ने कैसा किया था कि ग्रुप्स बना दिए थे, मतलब हर टीचर के अंडर में 5-6 स्टूडेंट्स थे, कि उनको सिर्फ उन 5-6 स्टूडेंट्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा क्या चीज़ नहीं समझ रहा है। फिर हर डेली 1 से लेकर 2 बजे तक उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया जाता था, मतलब बच्चे जाते थे तो ऐसे ग्रुप वाइज उनको रोका जाता था, पढ़ाई के रह जाते थे। तो बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया, टीचर्स ने भी किया, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, कि ऐसा नहीं है कि भाई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मिल के लाइक इट वॉज अ टीम वर्क, सब मिले, बच्चों ने मेहनत किया एंड लाइक रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट आपके सामने जो है, सेकेंड आई उनसे भी बात करेंगे, आपने किस तरह से तैयारी की, आपको कितना परसेंट आया, आपका पहले नाम? माई नेम इज अर्शिन पटेल आरिफ and in SSC I got 86.60%. कितना पढ़ाई करते हो, पूरा दिन पढ़ते थे? नहीं, नाइट में, नाइट में ज़्यादा पढ़ते थे। एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे? मतलब दिन में क्लासेस रहती थी, स्कूल रहती थी, सेल्फ स्टडी के लिए रात में टाइम मिलता था। क्लासेस भी आते थे? यस। आपका नाम बता, आपको कितना परसेंट है? माय नेम इज सुनसारी फैजा, आई गॉट 78। माय फादर टोल्ड मी यू कांट पास एज आई got third rank because जैसे मैं स्टडी करती थी उनको लगता नहीं था कि मैं पास भी हो पाऊंगी। आपको आज रोटरी क्लब की तरफ से फेलिसिटेट किया गया है, बुक्स दिया गया है, बैग दिया गया है, रोटरी क्लब के बारे में क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? They became in my life as a parent. I feel so happy and thank you sir so much. बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताएं, आपको कितना परसेंट है? माय नेम इज अंसारी सोफिया मोहम्मद नसीम, आई गॉट 78.80%। वर्क फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। साइंस में कम है, मराठी सेकंड है, बट मराठी में ज्यादा है, 82% है। मराठी स्पीकिंग अच्छी है थोड़ी। आखिर में सर, आप यहाँ की जनता का मैसेज दिया जाएगा आपके स्कूल के बारे द्वारा यहाँ से लोगों के, और भी जो स्टूडेंट है तो क्या मैसेज दिया जाएगा? स्टूडेंट्स को ही मैं, अभी जैसे बात हुई थी कि द स्काई इज द लिमिट, अभी जैसे सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो बच्चे मेहनत करेंगे, यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, उनके अंदर एक मतलब ड्रीम है, बोलते हैं ना फायर इन द बेली, मगर उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो अब जैसे ये सर हैं ये लोग दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, कि बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मे बी लेट्स सेट द बार हायर, कि इस बार जो आया है उससे आगे 90s में जाएं, 95s में जाएं, और बच्चे मेहनत करेंगे तो श्योर ये अप्रोचेबल है, मतलब ये आसानी से ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर कोशिश करने की, करने वालों की हार भी होती है, तो हमारे साथ रोज मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अनिसर आज यहाँ पर रोटरी क्लब द्वारा जो मुंबई दहसल ब्रांच से है यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया एसएससी स्टूडेंट का, जो बहुत ही अच्छे अच्छे नंबरों से पास किया, और बच्चों ने भी रोटरी क्लब का धन्यवाद अदा किया। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? आप पूरा इंटरव्यू देखिए, सर की स्पीच भी बहुत अच्छी, और जो बच्चे एसएससी में बैठ रहे हैं उनको भी इसमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, और आपकी क्या कमेंट है हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नंबर है सर, तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट अबाउट रोटरी क्लब, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 117 ईयर्स ओल्ड,
1905 में हमारा पैदा हुआ, हम मतलब हमने रोटरी क्लब 117 ईयर्स ओल्ड क्लब एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. आवर हेडक्वार्टर इज इन अमेरिका USA एंड वी डू लॉट ऑफ वर्क फॉर द कम्युनिटी. वी डू वाटर सप्लाई, वी गिव एजुकेशन, वी प्रमोट एनवायरमेंट and we do a lot of medical projects and we have our own dialysis center and we do a lot of work for energy and giving students encouragement for study. So a lot of areas we work and one of them is education where we are doing today some kind of support. So our job is to support the community. It is not that we are all spending money from our own pockets. It is not that we get anything from anybody. What we have achieved in life is because of our hard work, and whatever little profit we are getting, we try to share it. We try to share it. We show that we have earned something. God has given us something. Now, we must give somebody who is lesser privileged than us. And that is exactly what Rotary does. So Mr. Mukesh Dalreja is the current president. His term will get expired on 30th of June. And he owns a Monjini's cake shop in Daisar. And he has very successfully completed his term, almost completing now. And I would request him to say a few encouraging words to students. Thank you. Good morning. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार. हमारा रोटरी क्लब दहीसर में 37 सालों से काम कर रहा है और जैसा इन्होंने बताया, सारा डिटेल इन्होंने बता लिया है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल जी को जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और आगे भी इसी तरह हम लोग लगे रहेंगे. और आप भी हमें बताइए क्या क्या है, और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ. धन्यवाद. Thank you, sir, for your inspirational words. Both of you all taking your time off and coming up. As Anish Krishnan sir has said, time management, that was very important. So, sir, we are like very, I mean, very honorably, I like to say here, please stand up. Sir, this child, he has won a bronze medal at national level boxing championship. Yeah, kickboxing, and fortunately that was sponsored by me. Rotary ne sponsor kiya tha, to ye bachcha yahan tak pahuncha. Yeah. Yeah. Then, here also she got something, some your mindset was there. Yes, yes, yes. Yeah. Please just talk about her. Yes, so sir, this from our class 9 standard, we are a TFI classroom, but of course the Rosemary family part of it. Shumela and Sophia had gone for a 2-day, 3-day, how many days was it? 5-day retreat in Dahisar, in Bhayandar. This was kids in education revolution, where they go and talk about ways that they could bring a revolution in the education system of the country. So they were selected for that and they went for that. And we have Kashifa here, who won essay writing competition which was conducted by the Government Law College in Churchgate. She was there, and Aman was also a position holder. And most of our students are part of major competitions happening in the city. So that's nice. Yeah, so that is like even our dream, like it shouldn't be just curriculums in academics. I mean, a holistic approach is required, and that is what we are working out. And once again, thank you, sir, for sponsoring our kid so that he could reach the national level this thing. Now, since they are getting late and that, let us start the distribution part. Ek ka naam bulaiye, wo bhi bulaiye. Ansari Faisal. Ansari Faisal. Yeah, just take us.
Can somebody give? Yeah, sir. Of a member, Raju Pancham and Tarun. Books for your studies and congratulations. क्या क्या दोनों जन ने आजू बाजू में बैठा क्या? हाँ 78 पॉइंट आजू बाजू में बैठा क्या? यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर नो सो अंसारी सुफिया फॉर योर कॉलेज and four books to write and study hard. Okay? Thank you. But for your hard work, continue doing hard work. With 87.4, Shah Afri. Tali kara dhaka. And see that 11, 12, then you, whatever you want to become, I want to hear from you all. Thank you. A bag? No, there's a bag for you. Your voice. I'm very glad to come here and speak up in front of you all. And especially to our teachers for coming here and giving your most precious time to us. First of all, I have to thank my parents for I am standing here and whatever I am because of them, and also my teachers, they helped me a lot in every situation. I like to thank you so much for my teachers. I will be nothing if they were not. Thank you so much. Up at every step in my life, my parents, my tuition teachers, and the teachers of Rosemary School. They all have a monumental role in my life. Because of them only I am standing at here only. They are very understanding, cooperative teachers, and our principal sir. Thank you, sir. What your father is doing? My father is Taylor. Very good. Mother? For me, make realizable that I am a such a good person in study or in real life also. Thank you all, my teacher, sir, to give your precious time for us, and also my teacher, sir. Thank you. What is your teacher? I want to be a cardiologist. I think I will be a higher. That's it.